गाइस, मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल अल्पाना सेशन में। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हैप्पी कार्ड के बारे में कि हैप्पी कार्ड क्या है और ये किसको प्रोवाइड किया गया है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि हैप्पी कार्ड क्या है और इसमें क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा सरकार ने जिनका हैप्पी कार्ड बना है, जिनका बनने वाला है या जिनके लिए प्रोवाइड किया है, उनको 1000 किलोमीटर की निःशुल्क सेवा यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में उपलब्ध करवा रही है हमारी हरियाणा सरकार। जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम इनकम है, जिनकी फैमिली आईडी में, उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और उस फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको अलग अलग 1000 किलोमीटर की सुविधा, 1000 किलोमीटर की जो बस यात्रा है वो उसकी जो निःशुल्क सुविधा है वो हरियाणा सरकार ने उपलब्ध की है। और मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड के बारे में बताती हूँ कि जिनकी इनकम 1.80 से कम है उनको हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड प्रोवाइड किया है, जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उनको राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। बट जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड की जो स्कीम है वो अप्लाई की है। इसके तहत आप 1000 किलोमीटर निःशुल्क कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, बेशर्ता वो हरियाणा रोडवेज की बस होनी बहुत ज़रूरी है, वही होनी चाहिए, किसी और बस में वो निःशुल्क सेवा आपको उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन घर पे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर अपने आसपास, घर के आसपास कोई भी CSE सेंटर है वहाँ पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ कि आप घर पर बैठ कर इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप इसका। इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अपना घर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन करवा लोगे या फिर CSE सेंटर जाके रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, उसके 15 दिन के बाद आपको हरियाणा रोडवेज कार्यालय से एक मैसेज आएगा कि आपका हैप्पी कार्ड बन गया है, आप कोलेक्ट कर लीजिए। बट आप जिस दिन आपको मैसेज आएगा वहां से, उसके 2 से 3 दिन के बाद आप जाइए वहां पे अपना हैप्पी कार्ड कोलेक्ट कीजिए। बट अपने साथ वो नंबर ज़रूर लेके जाना जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, जिससे आपने OTP ली थी, जो कि आपका फैमिली आईडी में नंबर है, वो नंबर आप अपने साथ ही लेके जाओगे। बहुत ज़रूरी है लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको वो OTP देंगे उस नंबर पे, तो उस OTP से ही आपका वो हैप्पी कार्ड जनरेट होगा, उसके बाद ही वो आपको दिया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आने से पहले जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।